तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अभी अभी उठा हूँ, सुबह की बज रहे हैं लगभग 9:30। 9 बजे उठ गया था मैं। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं इसमें थोड़े डिशेस या बोले बर्तन अपने धो के बता दूंगा, तो आपको भी एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। सेकंड थिंग ये कि अभी मेरे पास है ना, अपने मारुति शोरूम से कॉल आ गया था कि सर आ जाओ, सर्विसिंग करा लो। 1400 किलोमीटर चल गई, 1000 किलोमीटर पर होने थे सर्विसिंग। तो जल्दी से डिश वॉशर में सारे अपन बर्तन डालते हैं कि पानी से धो के, और फिर निकलते हैं कार विद सर्विसिंग के लिए। तो गाइस, फिलहाल जो सारे बर्तन थे मैंने यहाँ रख दिए हैं। दूसरे कैमरा से दिखा देता हूँ उन लोगों को। सिंक तो खाली कर दिया है, तो जैसा तुम देख सकते हो सिंक में केवल हल्के में के जो प्लास्टिक है वो पड़े हुए हैं, और वो इसका ये जो बोलते हैं चाय बनाने का, कल रात में चाय जला दी थी मैंने। तो यहाँ पे मैंने सारा बर्तन सिंक से उठा के पानी से धो के, मतलब झूठन जो रहती है, खाना वाना जो लगा रहता है, तो वो हटा दिया है और इस बकेट में डाल दिया ताकि पानी वानी फैले नहीं, मतलब इन शॉर्ट। ये तो अब अपन अपना खोलते हैं। ये यहाँ पे अब अपन को सर्फ डालना है, तो सर्फ लेकर आते हैं। ये सर्फ का पैकेट मैंने खोला भी नहीं अभी तक, वो ऐसा का ऐसा ही है। ये रहा, ये लिखा है इस पर डिटर्जेंट, ठीक है। ये भी बॉश का है और इसकी प्राइसिंग है लगभग 400 रुपये है। इसकी माँ का 400 रुपये प्राइसिंग है इसकी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं इसको ओपन करके इसमें डालता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का सर्फ का पैकेट निकला है बॉश का, इसको काटते। कुछ इस तरह का पाउडर आया है, और जो कि क्वालिटी तो बहुत ही प्रीमियम लग रही है। तो चलो यहाँ पे अपन को डालना है, इसको बटन को दबाते हैं तो ये खुल गया। इसमें डालना है सर, यहाँ पे ML बना 15 और 25, तो पहला वॉश है तो बहुत सारा सर्फ लगेगा। वो तो साला बोल के गया था कम लगेगा, ठीक है। तो ये 25 से थोड़ा ऊपर हो गया है, पर ठीक है, पहली बार के हिसाब से अगली बार ध्यान रखेंगे। ये जो स्पून है इसी में डाल देंगे अपन, और इसका जिप लॉक है, तो अपन इसको यूज़ करने के बाद ब्लेस यू शिपा को जिप लॉक कर सकते हैं, क्योंकि उसको होने रात भी बाद में तो देखेंगे, क्योंकि मेरे को जाना भी है सर्विस में, लेट हो रहा हूँ। पहले नीचे बर्तन जमेंगे। अब इसमें बर्तन को जमाने में क्या है कि सारे बर्तनों को ऐसा रखना है कि एक के ऊपर एक नहीं आए। हमें जैसे कि कैसे की तपेली कैसे धोया तुमने कैसे धोया पानी से क्या उसने कूचे लगाया था। ये प्लेट का होल्डर है, तो यहाँ पे प्लेट से बच गई है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहीं, ठीक है वहाँ पे रखा गई हो। तो देखो सकते हो जैसे कि पूरा बकेट खाली कर दिया, सारे बर्तन जम गए पूरे बकेट के इसमें। तो अब इसको यहाँ से सब पुश करके लॉक करना है, लॉक हो गया है। यहाँ से अपन एक बार इसको जला के देख लेते हैं कि कोई सा बर्तन अड़ तो नहीं रहा है। तो नहीं अड़ रहा है, इस स्प्रिंग कर जैसे ये इसमें ये आ रहा है, इसको अपन को एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि नीचे ऊपर देख लेते हैं कहीं से, क्योंकि मुझे नहीं दिख रही है। तो इसको मैं हटा देता हूँ एक, क्योंकि आड़ रहा था। तो वापस चेक कर लेते हैं कि नीचे का जो स्प्रिंकल है, अरे बहुत अंदर चला गया। ये रहा कि स्प्रिंकल अब नहीं अड़ रहा किसी चीज़ से, अब स्मूथली घूम रहा है। उसको लॉक कर दो, मैंने प्लग लगा ही नहीं पाऊँ, ठीक है। तो पावर प्लग लगाने के बाद अपन मशीन को ऑन करेंगे। जैसे देख सकते हो ऑन हो गई है।
अभी इंटेंसिव कढ़ाई पे है अपन, इस पर ऑटो पे करेंगे या इको पे? तो मैं ऑटो पे कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम है, ठीक है। और मुझे 1 घंटे 20 मिनट में पूरा वॉश करके दे देगा। तो बस यहाँ पे बस स्टार्ट प्रेस करना है, जैसे स्टार्ट प्रेस करूँ मशीन चालू हो जाएगी, 60 डिग्री टेम्परेचर पर सारा बर्तन धोएगा। तो चलो, तो कुछ आवाज़ आई कटर कटर, एंड मशीन इज़ ऑन, पता ही नहीं चल रहा है, बिल्कुल मिनिमल आवाज़ है इसकी। मशीन तो चालू हो गई है, अब अपन चलते हैं कार को लेके सर्विस सेंटर पे। तो चलो अपन हो गए हैं तैयार, निकलते हैं। हाँ नीचे ला दो, शिल्पा बोल रही है कि दूसरा मोबाइल नहीं देगा मैं। तो मशीन तो चल रही है, आवाज़ तो आ रही है स्प्रिंकल की, स्प्रिंकल चल रहा है। और मुझे गाड़ी में से कुछ सामान निकालना पड़ेगा जाने से पहले, जो खुद की बिलोंगिंग्स है, तो वो निकाल लेते हैं। तो वो रही अपनी गाड़ी, जल्दी से चल के निकालते हैं बिलोंगिंग्स। तो मैं तो पसीने में हो गया हूँ, आ गए गाड़ी में, मैंने सारी बिलोंगिंग्स निकाल ली है, सब कुछ खाली कर दिया है, और ये रहा अपना मास्क। तो चलो जल्दी से पहुँचते हैं, लेट हो गए, 10 बजे पहुँचना चाहिए था अपन को। फिलहाल अपन पहुंच चुके हैं मारुति शोरूम, और ये रही अपनी धन्नो, अब होगी सर्विस। सब निकाल लिया, केबल का क्या है? वो केबल भी निकालना है। तो भाई साहब गाड़ी के सारे फॉर्मेलिटी हो गई है, उन्होंने फोटो फाटे खींच लिए, अब गाड़ी में होगा हाइजीन वॉश और बाहर से वॉश होगा, और बाकी जो भी इनकी सर्विस रहती है वो होगी। अब इसमें टाइम लग जाएगा, 2:30 बजे बोला है वो, तो अभी लगभग 11:45 बज रही है, तो आई थिंक सो कितना टाइम हो गया, तो 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। तो अब हम ओला बुक करते हैं और घर निकलते हैं। गाड़ी की बुकिंग हो गई है, अपना कैब वाला आ रहा है। देंगे शिल्पा को आवाज़ पे, आवाज़ देने की ज़रूरत नहीं है। तो झाड़ू वाड़ू लग रही है घर में अभी, और अपनी मशीन अभी भी चल रही है, 7 मिनट बता रहा है, 7 मिनट बाद पता चलेगा बर्तन कैसे वॉश हुए। और अपन देखते हैं उसके बाद चाय वाय का जुगाड़ करेंगे, या फिर अभी कुक आने वाली हमारी, गीता नाम है उनका, तो वो आएंगे तो उनसे बोल देंगे चाय वाय बनाने को। तो अपने बर्तन हो गए, एकदम गरम गरम, गरम है। तो ये सब कुछ निकलाएगा एकदम चिकना और साफ। थाली है, एकदम साफ। तो फिलहाल मैंने सारे बर्तन निकाल के रैक में जमा दिए, कोई स्टेन नहीं कुछ नहीं, इसमें अपन ने एक छन्नी धोई थी। तो ये अपनी चाय आ गई, यहाँ पे मेरा काम चल रहा है जो मैं दिखा नहीं सकता हूँ। और क्यों शिल्पा, तो गीता जी ने कैसी चाय बनाई? अच्छी बनी। हंसी बंद नहीं हो रही, खुली बेइज्जती। तुम्हें शर्म नहीं आती ऑनलाइन अपने पति की बेइज्जती करते हुए? बेशर्म हो ना तुम,
काट देंगे किसको, पति को या वीडियो को? वीडियो को नहीं काटेंगे, ऐसे कैसे डालेंगे ये क्लिप में, ऐसा कैसा डालूं देख लो भैया, है ना। जो जितने वह शादीशुदा उन सबको पता है कि भैया पत्नी घर में कैसे रहती है ना, बाहर कैसा दिखाती है। अच्छा अच्छा, ये तो क्या यही है, लात मार मार के इशारा कर रही है। देखो देखो इसको देखो देखो, पिलात मारी बोले कितना खराब होने पर लात मारी, ये तो अभी दिखाना दिखा रही है, ये दिखा रही है, देखो हंसी बंद नहीं हो रही इसकी। तो शिल्पा क्या क्या लेकर आई है? पोहा। कहाँ से लई? नीचे से गीता ने बनाया। गीता ने बनाया तो तुमने क्या करा? तुमने चाय पी? हाँ, ना चाय पी। और अब क्या? पोहा खाऊंगा। तुम्हारा वो नहीं रखा, सीऊ खत्म हो गई शायद। सीऊ खत्म हो गई? पर इन बारी वाली सीऊ अच्छी लगती है, बारी सीऊ लाया करो। अच्छा ठीक है, तो देख लो ये अपना खाना भी शुरू कर दिया है ना, मैं ऐसा कैसा बैठा हुआ और मैं भी खाऊंगा, नाश्ता करेंगे अभी, ऐसा बज के तेरे दोपहर के 12:15 बजे हमारा नाश्ता होगा। तो चलो नाश्ता करते हैं और मेरे ख्याल से थोड़ी देर बाद अपन निकलते हैं, फिर गाड़ी लेकर आते हैं। गाड़ी लेने जाना है ना? हाँ, उसने बोला था 2:30 बजे तक हो जाएगी। 11 बजे छोड़ी थी मैंने, 12:15 हो गई। तो अपन आ गए हैं वापस से सर्विस सेंटर पे मारुति के, वैसे गाड़ी उठाते हैं और निकलते हैं, और फिलहाल बज रही है 2:30। इनने तो ये पकड़ा दिया बिल और बोला कि अभी 30 से 45 मिनट लग जाएंगे, बिल भर दो आप और इंतज़ार करो। अब भी गुफो की तरह यहाँ बैठना पड़ेगा 30 से 45 मिनट। भाई साहब 3 बज रही है दोपहर की, और अभी बंदा आया था बोला कि भैया गाड़ी हो गई है, मैं वेटिंग रूम में वेट कर रहा था, गाड़ी लेते हूँ निकलते हैं। ये रही अपनी गाड़ी, एकदम चमचमाती और एकदम नई जैसे कर दिया, मैं अलग एंगल से शॉर्ट्स दिखाता हूँ। गाड़ियों के टायर पॉलिश हुए हैं जो कि रह गई थी, तो इसको सूखने में टाइम लगेगा, ये सूख जाएगा उसके बाद अपन लेके निकल सकते हैं। तो भाई साहब हो गई है गाड़ी, और गर्मी इतनी है कि पसीना 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 छूट गया, बहुत भयंकर गर्मी है। बस हो गई है, फिर निकलते हैं, ये चलते हैं, बस गाड़ी निकल रही है। अभी अपन ने गाड़ी की डिलीवरी ले ली है जैसे दिख रहा है, और तुम देख सकते हो मतलब काफ़ी सही तरीके से क्लीन करा है, मतलब शब्द नहीं है, मतलब बहुत ही बढ़िया और गजब एकदम। और मैं दूसरे साइड से भी दिखा देता हूँ दूसरे कैमरे से, पॉलिश तो मतलब बहुत बढ़िया करी है गाड़ी में। अभी चला के लाया थोड़ा आगे तक, तो समझ में आ रहा कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो फर्स्ट सर्विस के बाद गाड़ी मतलब और ज़्यादा हल्की और काफ़ी प्रीमियम लुक दे रही है। एक्चुअली जब मैंने गाड़ी उठाई थी ना तब भी इतनी नहीं चमक रही थी जितनी अब भी चमक रही है। तो चलो घर चलते हैं।